आई होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन। एंड जैसे कि आप सभी को पता है कि एग्जाम के बस अब 3-4 मंथ रह चुके हैं आप लोगों के। भाई अक्टूबर जो है फर्स्ट टर्म चलेगा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और 15 फरवरी से तो आपके एग्जाम स्टार्ट हो ही जाएंगे। तो मैं आशा करती हूँ या मैं मान के चलती हूँ कि आप लोग जो तैयारी हो बेहतरीन मजेदार चल रही होगी। आप लोगों ने अपना एक टाइम टेबल या मैं बोलूँ कि शेड्यूल वो बना लिया होगा और उसके अकॉर्डिंग आप अपने जो सिलेबस है उसको रिकवर कर रहे होंगे एंड अपना जो मल्टीपल रिवीजन है वो साथ साथ रखना है। तो चैप्टर जो हमारा चल रहा था वो क्या चल रहा है, हमारा कार्बेंस कंपाउंड का। कार्बेंस कंपाउंड में हम हमारे जो लेक्चर होने वाले हैं, थर्ड लेक्चर है हमारा। स्टार्टिंग के 2 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। जिस भी स्टूडेंट ने अगर उन दोनों लेक्चर को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, विजिट करके आप इजली अपने जितने भी डाउट्स है कार्बन कंपाउंड जो इंट्रोडक्शन एंड जो मैंने एलोट्रोफिक कराया है वो डाउट आप क्लियर कर सकते हो और चैप्टर को इजली समझ सकते हो। बिकॉज चैप्टर को डीपली भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सभी को पता है कि जो एग्जाम है वो एग्जाम अब ये तो है कि डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बुक के एज इट इज ऐसे के ऐसे ही मिल जाएंगे। तो मैं ये भी नहीं मान के चलती कि बच्चे जो है वो रटिफिकेशन भी करें, तो मैं इस तरीके से समझाती हूँ। जो मेरा मोटिव रहता है, जो बेसिक रहता है वो यही रहता है कि हर बच्चे को समझ में आ जाए। बाय लैंग्वेज चलता है, ये भी नहीं कि भाई इंग्लिश से चलता है या प्योर हिंदी चलता है, बाय लैंग्वेज चल रहा है, बच्चों को इजली समझ में आ जाना चाहिए। और जो ये वीडियो स्पेशल सीबीएसई बोर्ड के लिए भी नहीं है, एचबीएससी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आरबीएसई, आईसीएसई, कोई से बोर्ड के एग्जाम जो रिलेटेड करते हैं वो इन सभी चैप्टर को देख सकते हैं जो भी साइंस या मैथ के रिगार्डिंग मैंने बनाए हुए हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपना कार्बन कंपाउंड। लास्ट चैप्टर में हमने लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, एलोट्रोफी ऑफ कार्बन को डिस्कस किया था। एलोट्रोफी में हमने ये बताया था कि जो उसकी कंपोजिशन है वो कैसे कैसे काम करती है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज पे क्या इफेक्ट पड़ रहा था। भाई फिर भी चल मैं रिवीजन करा देती हूँ एक बार, आप लोगों का रिकॉर्ड करा देती हूँ प्रीवियस क्लास का भी, अगर किसी भी स्टूडेंट ने देखा है तो उसको भी कुछ हेल्प मिल जाएगी। भाई एलोट्रोफी ऑफ कार्बन में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, कि उसकी जो फिजिकल डिफरेंस अगर हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो क्या रहती है हमारी डिफरेंस रहती है। केमिकल जो प्रॉपर्टीज रहती है वो आइडेंटिकल रहती है। उसके हमने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल भी लिए थे, आप देख सकते हो इसलिए बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हमने लिए थे। फिर हमने एलोट्रोफी इन क्रिस्टलाइन फॉर्म में हमने बात की थी कि कार्बन कंपाउंड्स के 3 टाइप्स होते हैं। एक केस ऑफ द क्रिस्टलाइन, नॉन क्रिस्टलाइन की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ओनली क्रिस्टलाइन की बात कर रही हूँ, जिसमें हमने किसको डिस्कस किया था। एक तो फर्स्ट क्या था हमारा डायमंड, किसको डिस्कस किया था डायमंड। और सेकंड केस हम क्या लेके चले थे, ग्रेफाइट। सेकंड क्या लेके चले थे, हम ग्रेफाइट का लेके चले थे। एंड थर्ड टाइप हम क्या लेके चले थे, अपना फ्लोरीन लेके चले थे। लेके चले थे, नहीं लेके चले थे, आया कुछ याद आप लोगों को। डायमंड में हमने डिस्कस किया था कि ये एक तो क्या होता है, कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और सेम मोस्ट इंपोर्टेंट जो पॉइंट था वो क्या था हमारा, कि ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। फिर मैंने आप लोगों को डीपली बताया भी था कि ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है, क्योंकि जो कोवलेंट बॉन्डिंग है वो अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो सारे के सारे शेयरिंग कर रहे हैं, उसमें एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते तो हम कुछ सोच सकते थे कि भाई ये एक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है अच्छा खासा, बट इन केस ऑफ द डायमंड एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके नहीं थे, मतलब कि वहां पे क्या है चार्जिंग का जो फ्लो वो नहीं हो रहा था, इसलिए वो क्या है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी था। बट इन केस फिर हमने बात की थी ग्रेफाइट की, बात की थी ग्रेफाइट में हमारे जो लेयर्स बन रहे थे वो कैसे बन रहे थे, हमारी हेक्सागोनल सीरीज बनती हुई चल रही थी, जो लेयर्स बन रही थी हमारी उसमें कार्बन के ऐसे इलेक्ट्रॉन्स थे जिसमें हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन रहे थे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब की इलेक्ट्रिसिटी को अच्छा खासा वो कंडक्ट कर रहे थे, इसलिए वो क्या है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा क्या रहने वाला है, कैटिनेशन का रहने वाला है। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैटिनेशन। इससे कैटिनेशन की वजह से ही आपकी केमिस्ट्री का पूरा खेल चल रहा है इस कार्बन कंपाउंड का। जो ये कार्बन कंपाउंड चल रहा है ना आपका, ये कार्बन से कार्बन ही क्यों क्यों लेके चल रही है मैम, बार बार कार्बन कार्बन को क्यों बीच में लेके आ रही है, तो ये सारा खेल जो कैटिनेशन का ही है। और इस कैटिनेशन की वजह से ही आपकी पूरी केमिस्ट्री डिपेंड है। जैसे कि अगर आप प्लस टू की भी लेके चलोगे केमिस्ट्री, पूरी ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है वो पूरी कंप्लीट किसके ऊपर डिपेंड करती है, कार्बन बॉन्ड के ऊपर बात कर रही है। अब कैटिनेशन के डेफिनेशन में हम बात करते हैं तो पहले मैं इसको रेज कर देती हूँ। कैटिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो कैटिनेशन क्या है हमारा, एक सेल्फ लिंकिंग रहेगा इसके अंदर।
सेल्फ लिंकिंग मतलब कि जो कार्बन एटम्स है वो अपने आप से ही खुद लिंक होके चलेगा, मतलब दिस प्रॉपर्टी शो दैट द सेल्फ लिंकिंग। और ये प्रॉपर्टी कैसे रहेगी, यूनिक रहेगी। अब यूनिक क्यों है ये प्रॉपर्टी, इसका रोल क्या है कि जो नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स है वो कैसे मिलेंगे आपको, लार्ज मिलते हैं, बड़ी संख्या मिलते है कार्बन कंपाउंड का, इनका बहुत ज्यादा रोल है इसके अंदर। जो भी आपकी केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितनी भी आपकी भरी हुई है, वो सारी के सारी डिपेंड कर रही कार्बन कंपाउंड्स ने। इसलिए हम बात कर सकते हैं कि जिसमें जो नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा लार्ज रहेगा। द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड इज लार्ज, इसको आप कितना भी बना सकते हो। अब ये कार्बन कंपाउंड क्यों है लार्ज, अब आप लोगों ने लास्ट लेक्चर देखा होगा कि मैंने समझाया था कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 6 होता है भाई। अगर इसके इलेक्ट्रोवैलेंस की हम बात करें तो क्या होता है, 2 और 4 इलेक्ट्रो कॉन्फिगरेशन जो हमने निकाली थी। इलेक्ट्रोवैलेंस अगर हम बात करें तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स रखता है, ये कार्बन एटम्स 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे रखता है कि ना तो ये लॉस कर सकता है ना ये गेन कर सकता है, मतलब कि ये और अदर एटम की तरह नहीं है, और अदर एटम से ये ज्यादा टेंडेंसी रखता है कि ताकि जो कार्बन कार्बन के बीच में अगर बॉन्ड बन जाए तो कैसा बन जाए, हमारा स्ट्रॉन्ग बन जाए। और इनके बीच में जो बॉन्डिंग बनती है वो कैसे रहती है, स्ट्रॉन्ग रहती है। स्ट्रॉन्ग क्यों रहती है भाई, और भी एटम के पास इतनी टेंडेंसी है कि वो बॉन्डिंग बना सकते हैं, बट कार्बन जैसे नहीं है। कार्बन एक टेट्रावैलेंसी है, मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे रखता है कि अगर हम ये कार्बन लेके चले और दूसरा कार्बन अगर हम लेके चले तो इस कार्बन का जो न्यूक्लियस जो पार्ट रहेगा वो सेल्फ लिंक कर सकता है इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ, और इस कार्बन का जो न्यूक्लियस पार्ट है वो बॉन्ड बना सकते हैं, इसलिए हम यह बात कर लिंक कर सकते हैं इसलिए इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ। दोनों में आपस में क्या होगी, रजाबंदी हो जाती है। दोनों के बीच में जो बॉन्ड रहेगा वो कैसा रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। ये नहीं कि इसलिए आप इसके बॉन्ड को ऐसे तोड़ दो, ये भी नहीं कर सकते कि भाई बिल्कुल जुड़ा ही रहेगा, बट आप क्या है इसके जो बॉन्डिंग जो क्लेवेज की अगर हम बात करें वो स्ट्रॉन्ग रहती है। और इसके अगर हम साइज की बात करें तो साइज कैसा है, इसके नेचर अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, देन उसके बाद हम इसके नेचर की बात करें, डेफिनेशन का जो नेचर जो रहेगा। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें एक नंबर का ही क्वेश्चन बनता है आपका कि डिफाइन कैटेनेशन, कि कैटेनेशन को बताओ कि कैटेनेशन एक्चुअली में होती क्या है। तो कैटेनेशन अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो नंबर ऑफ कंपाउंड्स है वो कैसे लार्ज है, मतलब ज्यादा से ज्यादा मात्रा मिलते हैं आपको। ये नहीं है कि भाई आपने 9 कार्बन तक ज्वाइंट कर लिया, आप कर दो हाँ नंबर ऑफ कार्बन कितना, 9 हो गए, इसमें 9 तक ही चला जाएगा, बट ऐसा नहीं है। आप लार्ज नंबर इसमें काउंट कर सकते हो, अनकाउंटेबल हो सकते हैं, 600, 700, 800, 900, 1000 कितने भी कार्बन इसमें आप ले सकते हो। इसलिए बोला गया है कि जो इनका जो साइज है, साइज तो रहेगा स्मॉल। स्मॉल क्यों रहेगा कि इस कार्बन का जो न्यूक्लियस पार्ट है वो दूसरे कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ सेल्फ लिंकिंग इजीली कर सकता है, उसके पास इतनी टेंडेंसी है कि वो बॉन्डिंग एक दूसरे कार्बन के साथ इजीली बना लेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये कार्बन है, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग किसी न किसी एटम के साथ जरूर करेगा, तो कार्बन की जो अच्छी खासी बनती है वो किसके साथ बनती है, हाइड्रोजन के साथ बनती है। किसके साथ बनती है, बॉन्डिंग जो है इसकी हाइड्रोजन के साथ बहुत अच्छी है। अब मैंने क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन में हाइड्रोजन नहीं दे रही, ये दूसरा जो हाइड्रोजन वो मना कर रहा है कार्बन के पास आने के लिए कि भाई मैं क्यों आऊं तेरे पास, तू अपना कार्बन अपने खुद के साथ कर लो। तो ये कार्बन क्या करेगा, दूसरे कार्बन के साथ इजीली कर लेगा, मतलब इनके बीच में जो बॉन्डिंग बन चुकी है वो इतनी स्ट्रॉन्ग बन चुकी है कि ये दूसरे को भी अगर एटम आ जाए तो ये हटेंगे नहीं, ये दोनों जुड़वा है। आप करोगे जी इस कार्बन का रहेगा, इस कार्बन रहेगा तो इसका कोई खुद का क्या है, दूसरा एटम आ जाएगा इसके पास कार्बन का और दूसरा एटम आ जाएगा, मतलब कि आप ये है कि इजली आप किसी भी कार्बन को, किसी भी मतलब कि इन कार्बन एटम्स को अगर बॉन्डिंग बनाओगे, लिंक करोगे तो इजली ये सेल्फ लिंकिंग हो जाएगी। तो कैटेनेशन की छोटी सी डेफिनेशन है कि एक तो जो इसकी प्रॉपर्टीज है वो कैसी प्रॉपर्टी, इसकी यूनिक प्रॉपर्टी है। अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेना जो जो मैं लाइन बोलती हूँ जा रही हूँ। दिस प्रॉपर्टीज इज द सेल्फ लिंक, मतलब जो प्रॉपर्टी कार्बन कंपाउंड की वो कैसे सेल्फ लिंकिंग है। कार्बन कार्बन आपस में क्या रहेंगे, सेल्फ लिंक करेंगे।
खुद का खुद के साथ ही लिंक करना स्टार्ट कर देंगे और किसी एटम को भी अपने पास इन्वॉल्व नहीं करेंगे। क्लियर हो गया यहां तक? तो डेफिनेशन क्या हो जाए कैटेनेशन की, कार्बन इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, कार्बन इज द प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी कैसे रखना है, वो यूनिक प्रॉपर्टी रखता है। कार्बन इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, इसको रेस कर देते हैं एक मिनट को, एलिमेंट टू कंबाइन विद अदर एटम, और कंबाइन किस किस फॉर्म में हो सकता है, स्ट्रेट चेन बना सकता है, अभी बताऊंगी मैं इसको भी, स्ट्रेट चेन बना सकता है, लॉन्ग बना सकता है और साइक्लिक बना सकता है, या ब्रांच चेन इसको बना सकते हो भी, एंड ब्रांच चेन भी बना सकता है ये मतलब कि कैटिनेशन के अंदर कार्बन ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसी यूनिक प्रॉपर्टी रखता है कि वो दूसरे एटम के साथ इजली लिंक कर जाएगा, और वो लिंक कैसे रहेगी, सेल्फ लिंकिंग रहेगी, और कैसे चेन बनाएगी, या तो स्ट्रेट या लॉन्ग या साइक्लिक रहेगी, या फिर क्या रहेगी उसकी ब्रांच चेन रहेगी। ऑल दैट क्लियर, यहां तक समझ में आ चुके आप लोगों को, आ गया? तो आप क्या लिख सकते हो कि द सेल्फ लिंकिंग, द सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन, मतलब कि कार्बन जो भी कंपाउंड आप लेके चल रहे हैं, कार्बन कार्बन कंपाउंड, उनके बीच में जो बॉन्डिंग बन रही है वो कैसे बनेगी, लार्ज बॉन्डिंग बनेगी, और साइज कैसा रहेगा उसका, स्मॉल रहेगा, क्यों रहेगा, अभी हमने डिस्कस किया है कि ये जो कार्बन है इसका जो न्यूक्लियस पार्ट है और उसके बाहर क्या होगा, हमारा आउटर मोस्ट शेल, कितने हो गए 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो दूसरा जो कार्बन एटम है न्यूक्लियस और उससे क्या हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब इस कार्बन का जो न्यूक्लियस है वो सेल्फ लिंकिंग कर सकता है इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ, और इस कार्बन का जो न्यूक्लियस है वो सेल्फ लिंकिंग कर सकता है इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ, तो साइज जो है वो इनका कैसा बनेगा, स्मॉल बनेगा। बट अगर हम बॉन्डिंग की बात करें तो बॉन्ड लेंथ क्या रहेगी इसकी, लार्ज रहेगी। बॉन्ड लेंथ क्यों लार्ज रहेगी, अभी हमने बताया, क्योंकि इनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो कैसे बन रही है, स्ट्रॉन्ग बन रही है। कार्बन एक मैक्सिमम ऐसा ही टेंडेंसी एलिमेंट है, और अदर एटम के अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो इतनी कैपेसिटी रखता है कि किस न किसी एटम, मतलब कार्बन कार्बन एटम के साथ इजिली बॉन्डिंग बना लेगा। जैसे अगर हम बात करें, अब बात कर रहे हैं हम किसके, चेन की। अब चेन कैसी है, चेन ब्रेव साइक्लिक ही बना सकता, साइकिल वो नहीं साइकिल का पहिया वाला साइकिल की नहीं, साइक्लिक मतलब की एरोमेटिक, जिसको हम किस फॉर्म में बोलते हैं, इस फॉर्म में, जो हमारे इस फॉर्म में बनता है, जिसको नाम देते हैं बेंजीन का नाम देते हैं, प्लस टू केमिस्ट्री में रहेगा ये, एरोमेटिक एलिफैटिक और बेंजीन जो रिंग बनती है, तो साइक्लिक इसी का नाम दे देते हैं। कैसे, देखो अगर हमने बात की स्ट्रेट चेन की, स्ट्रेट चेन क्या हो, जैसे हमारे पास सी 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 ये कार्बन, अब कहोगे इलेक्ट्रॉन तो शेयर नहीं कर रहे हैं आपस में, भाई जहां पे कार्बन आ गए उनके बीच में आप हाइड्रोजन को लिंक कर सकते हो और इनके बीच में हाइड्रोजन ही आएगा, अगर हाइड्रोजन ना हो तो दूसरा कोई एलिमेंट जैसे कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, वो डिपेंड करता है उसके नेमिंग के ऊपर कि एक्चुअल वो नेमिंग किसकी बात कर रहा है। इसके अंदर हम बात करते हो गए एच 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 हो गया, ये तो क्या हो गया हमारी स्ट्रेट चेन होगी। लॉन्ग चेन की अगर बात कर रहे हैं तो इसके साथ मैं क्या करूंगी, और कार्बन को ऐड कर दिया मैंने, और कार्बन ऐड कर दूं तो ये लॉन्ग चेन होगी, क्या हो जाएगी वो लॉन्ग चेन। अगर हम बात करें साइक्लिक की, तो साइक्लिक की अभी मैंने बात की थी, साइक्लिक कैसे बनता हमारा, सी 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 फिर सी हो गया, फिर अगेन सी हो गया, फिर हो गया, मतलब ये नहीं कि इसी फॉर्म में रहेगी, पेंटागोन फॉर्म में भी हो सकती है, हेक्सागोन में बन सकती है, ऑक्टागोन में बन सकती है, वो डिपेंड करेगा स्ट्रक्चर के ऊपर, वो स्ट्रक्चर कैसी है, बट ये नहीं है कि इसका ऐसे ऐसे फैला दोगे, ऐसे ऐसे कर दिया, ऐसे नहीं होगा, फिर ये ऐसे नहीं होगा, इसके अराउंड में जितने भी एटम्स रहेंगे वो मैंने बताया वो क्या रहेगा, हाइड्रोजन ही रहेगा। और इसमें क्या होगा, ना किसी कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ना कोई एंडिंग पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट करोगे तो वही एंडिंग पॉइंट हो जाएगी इसका,
जहां से स्टार्ट किया वही क्या हो जाए, उसका एंडिंग पॉइंट हो जाए। बट इन केस अगर हम स्टेट चेंज की बात करते हैं, अगर स्टार्टिंग पॉइंट ही है तो एंडिंग पॉइंट क्या हो गया, इसका ये हो गया था। बट इन केस ऑफ द साइक्लिक की अगर हम बात करें, साइक्लिक चेन की अगर हम बात करें, तो इसमें जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट आपने कार्बन लेकर चला है तो वही क्या होगा, उसका एंडिंग पॉइंट। अगर मैं मान के चलती हूँ मेरा स्टार्टिंग पॉइंट यही है, तो ये घूम के क्लॉकवाइज में इसके पास ही आ गया, वापिस आ चुका है। मतलब कि अगर हमने स्टार्टिंग पॉइंट वही रखा है, कार्बन रखा है, तो उसका एंडिंग पॉइंट भी वही रहेगा। क्लियर ऑल दैट यहाँ तक? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चे, ये चीजें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोग समझ कर रहे होंगे मन मन में, या सोच भी रहे होंगे कि मैम एक्चुअली कैटेनेशन क्यों करा रही है, पेपर में तो एक नंबर की डेफिनेशन आएगी। बट आपको नॉलेज तो होनी चाहिए कि कैटेनेशन एक्चुअली है क्या, केमिस्ट्री के अंदर पूरा जो रोल है केमिस्ट्री में वो एक कैटेनेशन का ही है। जितनी केमिस्ट्री आपकी बढ़ाई हुई है, जो सिलेबस है वो केमिस्ट्री, वो सारा डिपेंड करता है कैटिनेशन के ऊपर है। इस कैटिनेशन, इस एक वर्ड ने पूरी केमिस्ट्री को हिलाया हुआ है, पूरी जितनी भी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी इसी से ही घिरी हुई है। ले देखिए बस, एलिफैटिक, एरोमेटिक, इनके आयुपैक, इनके मोलिकुलर फॉर्मूला, जो भी आप इनके सिंबल ये के चलोगे, किस एटम को किस एटम के साथ बॉन्डिंग कर रहे हो, क्यों कार्बन के साथ कैसी बॉन्डिंग है उनकी, क्लियर यहाँ तक? अगर हम बात करें कि इसकी ब्रांच चेन की बात करते हैं, तो मैं पहले रेज कर लेती हूँ। ब्रांच चेन की अगर मैंने बात की, जैसे कि मैंने सी 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 ये ले लिया, मध्य में छह कार्बन फाइव कार्बन एटम्स लेके चल रही हूँ, मैंने क्या किया एक कार्बन यहाँ पे लगा दिया इसका, तो ये क्या हो गया, इसकी ब्रांच हो गई। मतलब एक पेड़ है उसकी एक शाखा निकाल दी। अब आप लोग सोच रहे हो क्या एक ही शाखा हो सकती है, एक से ज्यादा नहीं हो सकती, हो सकती है, इजिली हो सकती है, आप यहाँ पे लगा दो, तो ये क्या हो गई, ब्रांच चेन हो गई। मैं स्ट्रेट चेन में करवा चुकी, लॉन्ग चेन बता दें आपको, लॉन्ग चेन मतलब की जरूरी नहीं कि सिक्स कार्बन एटम हो, आप कितने भी चाहे 10, 11, 12, 13, 100, 600, 700, बोर्ड कम पड़ गए, नहीं तो ये और भी लंबी चेन बन सकती है आपकी। इनके बीच में जो एटम्स लाई करेंगे, सबसे ज्यादा तो जो बॉन्डिंग बनती है वो किसके साथ है, इसके हाइड्रोजन के साथ ही है। एक हाइड्रोजन जो है जो इसके साथ शेयरिंग कर सकता है इसलिए, और वो ही इनके बीच में रचनाबंधी भी हो चुकी है, ठीक है? तो इसलिए इसका नाम जो दे दिया ना, आगे चल के जो आपका टॉपिक रहेगा वो हाइड्रोकार्बन का रहेगा। इसमें जो बॉन्डिंग बनेगी वो क्या सिंगल सिंगल बॉन्डिंग रहेगी, नहीं रहेगी, वो डिपेंड करेगा उसके नेचर के ऊपर, कि नेचर जो है वो सिंगल बॉन्ड की अगर बात कर रहा है आपकी, इलेक्ट्रॉन्स अगर उनके जो शेयरिंग है, इलेक्ट्रॉन्स अगर शेयरिंग उनके सिंगल सिंगल एक एक इलेक्ट्रॉन से हो रही है तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। अगर डबल की है, जैसे कि ऑक्सीजन आ जाए इसके साथ, तो ऑक्सीजन के साथ ये कैसे करेगा, डबल बॉन्ड करेगा। जैसे कि ये आ गया आपको डबल बॉन्ड, क्या हो गया ऑक्सीजन का आ गया, ठीक है? तो डिपेंड करेगा उसके नेचर के ऊपर कि वो उसका नेचर कैसा है, कैसा वो फॉर्मूला लेके चल रहा है भाई। फिर सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, फिर उनका फंडा अलग से आ जाए, जो हम रूट वर्ड लेके चलेंगे, प्रीफिक्स, सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स या सेकेंडरी सफिक्स, जो भी हम लेके चलेंगे वो सब उसके अंदर आ जाएगा। बट अगर हम इसको समझने की बात करें तो कैटेनेशन वही होता है, सेल्फ लिंकिंग होता है, कार्बन कार्बन एटम के साथ ही, मतलब कि सेल्फ लिंकिंग ही बॉन्डिंग बनाएगा, दैट इज द कैटेनेशन। कैटेनेशन क्या होता है मैंने अभी, कार्बन कार्बन के बीच में जब बॉन्डिंग बन जाए, सेल्फ लिंकिंग हो जाए, क्योंकि यही एक ऐसी प्रॉपर्टी है, यूनिक प्रॉपर्टी है एक कार्बन कंपाउंड्स को, जिनके बीच में जो बॉन्डिंग बनेगी वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनती है। और उनके अगर साइज की बात करें तो साइज कैसा होता है इनका, स्मॉल होता है। और अदर एटम के साथ ये इजिली क्या अपने बॉन्डिंग को बना लेता है। बॉन्डिंग कैसे बनती है इनकी, स्ट्रेट चेन बनेगी, लॉन्ग चेन बनेगी, या साइक्लिक बनेगी, या ब्रांच चेन बनेगी। और साइज कैसा बनता है इनका, स्मॉल साइज बनता है। और कार्बन के अंदर इतनी पावर है कि वो किसी भी अदर एटम के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स को इजिली शेयर कर लेगा, शेयर कर लेगा, तो मतलब उनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो कैसे बन जाएगी, स्ट्रॉन्ग बनेगी। और कैटेनेशन, कैटेनेशन में आपका कार्बन जो है वो कार्बन एटम के साथ ही बॉन्ड बनाएगा, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाई करता हुआ चलेगा। क्लियर हो दैट यहाँ तक? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो कैटेनेशन था आज का ये छोटा सा टॉपिक, अगर समझ में आ गया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।